हमारी पार्टी, हमारा वाहिद लीडर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, जो कि कभी भाजपा से समझौता करने का काम नहीं किए। लालू प्रसाद यादव जी 1990 में सरकार बनाए थे तो बीजेपी से बाहरी समर्थन लेने का काम किए थे। बहुत ऐसे सीट है जहां चुनाव हम लोग जीतेंगे और बहुत ऐसा सीट है जहां हम लोग चुनाव हराने का काम करेंगे। इधर लोकसभा के चुनावों का ऐलान हुआ कि उधर दरभंगा में महागठबंधन की टेंशन बढ़ाने के लिए हैदराबाद वाले ओवैसी की पार्टी ने भी बड़ा ऐलान कर हंगामा मचा दिया है। बीते दिनों एमआईएम बिहार के अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने घोषणा की थी कि पार्टी बिहार की 11 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी, जिसमें दरभंगा लोकसभा की सीट भी शामिल थी। अब पार्टी के संयुक्त सचिव मोहम्मद कलाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ कर दिया है कि निर्णय हो चुका है, दरभंगा में उनका नाम लगभग तय है। मोहम्मद कलाम ने महागठबंधन विशेष रूप से राजद से अपील की है कि अगर भाजपा को हराना है तो वो एमआईएम का समर्थन करे। जी कलाम साहब, क्या एमआईएम का क्या मैसेज है जो आप बताना चाह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके? देखिए, आज प्रेस वार्ता का मुख्य मुद्दा है कि हमारे प्रदेश नेतृत्व, प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल ईमान साहब 2024 का जो आम लोकसभा चुनाव है उसमें 11 प्रत्याशियों का नाम जो है राष्ट्रीय कार्यालय को भेजने का काम किए हैं। उसमें मिथिलांचल का भी नाम है और हमारा भी नाम है, हमारे नाम के साथ जो है कई लोगों का नाम है। इसके लिए सबसे पहले मैं प्रदेश नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ साथ हमारे बिहार प्रभारी माजिद हुसैन साहब हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरा मांग है कि लगातार जो है राष्ट्रीय जनता दल भाजपा को चुनाव हराने में लगे हुए हैं, लेकिन 15 साल से जो है भाजपा उनसे चुनाव नहीं हार पा रही है। तो जिस सीट पे एमआईएम पार्टी चुनाव लड़ेगी उस सीट पे राजद नेतृत्व से मैं मांग करता हूं कि वहां इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार और खासकर राजद का उम्मीदवार ना दे। और हम लोग का दो लोकसभा सांसद है संसद में, जबकि राष्ट्रीय जनता दल का एक भी सांसद नहीं है। तो इनसे राष्ट्रीय जनता दल से बीजेपी नहीं हारने वाली है, इंसाफ पसंद लोगों से हारेगी, हम लोग उसको हराएंगे। ये हमारा मांग है, अपील है राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेतृत्व से। और अभी अभी राष्ट्रीय जनता दल जो है वो A to Z और MY और बाप और माई की पार्टी बनी है। लगातार इनके जो है 5-5 विधायक जो A to Z ये बनाए थे पार्टी, पहले इनका जो है सामाजिक न्याय और धर्म निरपेक्षता की पार्टी थी, लेकिन अब A to Z की पार्टी बनी है। तब से जो है चेतन आनंद भाग गए हैं, नीलम देवी भाग गई है, कई इनके जो है सवर्ण विधायक है वो लोग भाग गए हैं। तो इस बार जो 2024 की लड़ाई है, इस लड़ाई को मजबूती से मोदी को अगर देश से आउट करना है तो इंसाफ पसंद लोगों को मौका दे, MIM पार्टी को मौका दे। हमारी पार्टी लगातार इनको हर दुख और सुख में साथ देने का बाहरी समर्थन काम किए हैं बिहार के अंदर में। चुनाव लड़े जहां आपके उम्मीदवार हों तो क्या आपके ऊपर लेवल पर कोई गठबंधन की बात हो रही है? गठबंधन की बात अब नहीं है, बाहर से एक दूसरे से गठबंधन कर रहे हैं। देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो है अख्तरुल ईमान साहब इंडिया गठबंधन और खासकर राष्ट्रीय जनता दल को कई बार संदेश भेजे कि आप सभी लोगों को गठबंधन में ले रहे हैं और MIM पार्टी को आप गठबंधन में नहीं ले रहे हैं। किस लिए नहीं ले रहे हैं? जबकि 20% वोट जो है मुसलमानों का है, मुसलमान आपको वोट देने का काम कर रहा है, मुसलमानों का आप नेतृत्व को पसंद नहीं कर रहे हैं। तो इन्होंने पैगाम तो भेजाने का काम किया, लेकिन एक्सेप्ट तो उनको करना था, उन्होंने एक्सेप्ट अभी तक नहीं किया है। आज भी हम लोगों का मांग है कि अभी भी अगर हम लोगों को गठबंधन में लेते हैं तो हम लोग जो है मजबूती के साथ जो है इंडिया गठबंधन के साथ लड़ेंगे।
लेकिन राजद से तो आप लोग धोखा भी खाते थे, आपके विधायक को तो उन्होंने अपने में नहीं मिला लिया था। देखिए राजद से हम लोग को, राजद ने अगर हम लोग को धोखा दिया तो राजद को खुद का उनका विधायक जो उनके सेम्बुल पे लड़ने का काम किए थे उनको खुद भी धोखा दिया। तो आज अगर आप हमारे साथ धोखा देंगे तो कल आपके साथ भी धोखा होगी। ये तो लेने देने की बाजार चल रही है। आपको लगता नहीं कि जहाँ से आरजेडी चुनाव लड़ेगी वहाँ अगर आपको खाली सीट मिल जाता है, दोनों अगर चुनाव मैदान में होते हैं तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। तो आपको तो बी टीम बताया जा रहा है लगातार, आप साबित होइएगा फिर। देखिए बिहार की जनता जो है, बिहार के आम जो वोटर है वो राष्ट्रीय जनता दल को या जिस भी सेकुलर पार्टी को वोट देता है तो सब लोग तो यही करते हैं। आज देख लीजिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो है फिर बीजेपी के गोद में जा करके बैठ गए। वो बोले थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे, अब मरना पसंद करेंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। उसी तरह है नीतीश कुमार जी जब बीजेपी से पलटी मार करके आते हैं तो राष्ट्रीय जनता दल को जो है सेकुलर वोट मिलता है, वो भी जो है बीजेपी के बी टीम से जा करके मिल जाते हैं राष्ट्रीय जनता दल भी। हमारी पार्टी, हमारा वाहिद लीडर असदुद्दीन ओवैसी साहब है जो कि कभी भाजपा से समझौता करने का काम नहीं किए। और जब जब दलितों का मुद्दा, मुसलमानों का मुद्दा, जब भी किसी तरह का इन दोनों समुदाय के और पिछड़ा वर्ग के ऊपर कुछ भी होता है तो वो सांसद के सदन में मजबूती से बोलने का काम करते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो है बिहार विधानसभा के सदन में मजबूती से बोलने का काम करते हैं। हम लोग जो है सड़क पे मजबूती से दलित और पिछड़ा वर्ग की वकालत करते हैं। आखिरी सवाल है, तो मान लीजिए कि अगर आपका गठबंधन में बात तय होता है तो क्या सीट 11 के 11 ही आप लेंगे या कोई इसमें भी संशोधन की बात होगी क्या है? देखिए अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष कल ही बताने का काम किए हैं कि अभी फर्स्ट फेज में हम लोग जो है 11 सीट का अनाउंसमेंट किए हैं। हमारी पार्टी जो है 20 सीट पे कम से कम चुनाव लड़ेगी और मजबूती से। बहुत ऐसे सीट है जहां चुनाव हम लोग जीतेंगे और बहुत ऐसा सीट है जहां हम लोग चुनाव हराने का काम करेंगे। नहीं, गठबंधन में अगर बात होगी तो कितनी सीट, गठबंधन पे देखिए अगर गठबंधन में हम लोग को बुलाया जाता है तो जो हमारी भागीदारी है उसके हिसाब से अगर हिस्सेदारी मिलेगी तो वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष बात करेंगे उन लोगों से।